आज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जॉब अपडेट्स से रिलेटेड अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जॉब अपडेट्स हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की तरफ से है और जिसको IOCL, NTPC, CIL, FCIL एंड HFCL कंडक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, इसमें नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल पोस्ट भी है, तो कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इसके लिए एलिजिबल है एंड कितना एग्जामिनेशन फी होगा, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा और किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, तो उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं इंजीनियरिंग पोस्ट पे और नॉन टेक्निकल पोस्ट पे, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितने भी जॉब अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और हमारे वीडियो को शेयर कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की तरफ से एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जो कि ऑयल इंडिया, IOCL, NTPC, CIL, FCIL एंड HFCL की तरफ से इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है। अब बात करते कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केटिंग चीफ मैनेजर मार्केटिंग स्टेट हेड, जिसका जॉब लोकेशन होगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली। टोटल 3 पोस्ट है और इसमें जो लोग भी BSc एग्रीकल्चर विथ मिनिमम 60% मार्क्स, MSc इन एग्रीकल्चर विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 45 ईयर्स रखा गया है, मिनिमम एक्सपीरियंस 15 ईयर्स रखा गया है। इसके बाद दूसरा पोस्ट है मार्केटिंग चीफ मैनेजर प्लांट डिस्पैच एंड प्लान, गोरखपुर, ब्रौनी एंड सिंदरी, झारखंड, बिहार एंड UP, ये 3 स्टेट में ये वैकेंसीज आई हुई है और जॉब लोकेशन भी आपका इन्हीं 3 स्टेट में होने वाला। हालांकि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल में भी है, ओडिशा, झारखंड, बिहार, UP में भी है इस पोस्ट के लिए ओनली। तो इसमें BSc एग्रीकल्चर आप किए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 45 ईयर्स है एंड इसमें 2 सीट है और मिनिमम 15 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है, ये सब अभी मैक्सिमम जितना ही बतला रहा हूँ ये सब नॉन टेक्निकल है और ऊपर में जो बतलाया तो ये 2 पोस्ट टेक्निकल था और 1 पोस्ट नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, नॉन इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। तीसरा पोस्ट है मार्केटिंग, जो कि बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन, जर्नलिज्म विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन। तो अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मार्केटिंग में था, किसी भी ब्रांच में आप इंजीनियरिंग किए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 6 पोस्ट है और मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40 ईयर्स रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है मैनेजर लॉजिस्टिक मार्केटिंग में ही BSc एग्रीकल्चर विथ मिनिमम 60% मार्क्स मांगा गया है, 40 ईयर्स मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है, 10 ईयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर डिजिटल, जॉब लोकेशन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, UP, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली में रखा गया है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, जिसमें 8 पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है। तो CSE वालों के लिए बेनिफिट है जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग किए हुए हैं। 40 ईयर्स मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, 10 ईयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसीज है मार्केटिंग से और मैनेजर लर्निंग एंड डेवलपमेंट का है, जो जिसका जॉब लोकेशन दिल्ली होने वाला, ओनली 1 पोस्ट है और MBA किए हैं या एग्रीकल्चर बिजनेस मार्केटिंग किए हैं, मीन्स मास्टर डिग्री किए हैं
एग्रीकल्चर में या एचआर पोस्ट पे, तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 40 इयर्स एज क्राइटेरिया है और मिनिमम 10 इयर्स एक्सपीरियंस रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है मार्केटिंग मैनेजर सोर्सिंग, एक पोस्ट है दिल्ली में है। जॉब लोकेशन बीएससी चाहिए इसमें एग्रीकल्चर विथ मिनिमम 60% मार्क्स, फुल टाइम रेगुलर एमएससी एग्रीकल्चर विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। 10 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस रखा गया है और 40 इयर्स मैक्सिमम एज क्राइटेरिया। मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में एक पोस्ट है, जॉब लोकेशन दिल्ली है और एग्रीकल्चर में अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आप इस फॉर्म को, या बीएससी इन एग्रीकल्चर के, या किसी भी डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग में आप ग्रेजुएट हैं और आपके पास 10 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस है और अगर आपका एज 40 इयर्स से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पोस्ट वो भी मार्केटिंग से है, असिस्टेंट मैनेजर कोको सेंटर गोरखपुर बरौनी सिंधरी, जो कि झारखंड बिहार एंड यूपी लोकेशन पे है। बीएससी एग्रीकल्चर विथ एमएससी एग्रीकल्चर विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। किसी भी ब्रांच में अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम ए 35 इयर्स रखा गया है, 5 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस और 3 पोस्ट है, वैकेंसी 3 है। इसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग से ही है, असिस्टेंट मैनेजर प्लांट डिस्पैच एंड प्लानिंग का गोरखपुर बरौनी सिंधरी झारखंड बिहार यूपी। इसमें भी अगर आप किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग किए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और बीएससी एग्रीकल्चर विथ मिनिमम 60% मार्क्स है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स और एमबीए या पीजीडी बीएम किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस रखा गया, 35 इयर्स मैक्सिमम एज क्राइटेरिया। इसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग ऑफिसर की, तो ऑफिसर मार्केटिंग में 20 पोस्ट है जो जिसका जॉब लोकेशन पंजाब हरियाणा राजस्थान यूपी बिहार झारखंड ओडिशा वेस्ट बंगाल दिल्ली रखा गया है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, एक्सपीरियंस नहीं है और मैक्सिमम एज 30 इयर्स रखा गया है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएससी एग्रीकल्चर विथ मिनिमम 60% मार्क्स, एमएससी इन एग्रीकल्चर विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आप किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग किए हैं या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसके बाद सेफ्टी मैनेजर एंड सेफ्टी असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी ऑफिसर की, सिंदरी सिंदरी एंड परौनी या सिंदरी में जॉब लोकेशन होने वाला है। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फायर एंड सेफ्टी फायर डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स विथ डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम CLIRLI से किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फायर सेफ्टी का अगर आप कोर्स किए हैं और साथ में इंजीनियरिंग किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल इस पोस्ट के लिए। मैनेजर का जो पोस्ट है उसे 40 इयर्स मैक्सिमम रखा गया है, असिस्टेंट मैनेजर में 35 एंड ऑफिसर में 30 इयर्स रखा गया है। 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस एंड 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रखा है। अभी तक मैंने जो देखा कि विदाउट एक्सपीरियंस वाला सीरियल नंबर 11 जो है इसी में इसी फॉर्म को फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सब में एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद दूसरा है फायर से ही, तो फायर ऑफिसर की वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है गोरखपुर बरौनी सिंदरी। अगर आप फायर डिसिप्लिन में फायर ब्रांच फायर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम NFSC नागपुर और एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किए हैं तो आप को प्रेफरेंस मिलेगा और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है और इसमें 10 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है।
इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर की पोस्ट है। तो इंजीनियरिंग पोस्ट पे 6 वैकेंसीज है जिसमें कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, ये सब में अगर आप यहाँ पर दिया गया है तो इन सारे ब्रांच में से किसी एक ब्रांच में आप अगर इंजीनियरिंग किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों पोस्ट पे, 1, 2, 3, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड इंजीनियर पोस्ट पे। लेकिन इंजीनियरिंग पोस्ट पे 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है और असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे 5 ईयर्स का, मैनेजर पोस्ट पे 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैनेजर पोस्ट पे, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर पोस्ट पे सिंदरी, बरौनी, गोरखपुर, ये सब में वैकेंसीज आई है। टोटल 1, 3, 4 वैकेंसीज हैं। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हैं 60% मार्क्स के साथ तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर पोस्ट में 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस, असिस्टेंट मैनेजर में 5 ईयर्स एंड इंजीनियरिंग पोस्ट पे 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैकेनिकल में भी अच्छा वैकेंसीज है और 10 सीट है जिसमें कि 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस मांगा गया है। मिनिमम 60% मार्क के साथ अगर आप BA/BTech किए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे भी वैकेंसी आई हुई है जिसमें कि 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस एंड 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी ये सब जो है वैकेंसीज है ये सारा इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिसिटेज एंड यूटिलिटीज में भी अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग किए हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 पोस्ट है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए। यहाँ पर भी प्रोसेस इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट हैं। अगर केमिकल इंजीनियरिंग में आप अगर BTech किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यूरिया के लिए भी केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप BTech किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अमोनिया, फाइनेंस, इन्वायरमेंटल एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये सब में बहुत सारे वैकेंसीज है और जिसमें कि मैक्सिमम पोस्ट पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अवेलेबल एलिजिबल है। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस जो भी होगा तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा या फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल फिटनेस भी आपका देखा जाएगा और जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन मोड पे किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू। आपका जो जॉब होगा वो 1 ईयर के लिए होगा, इसके बाद आपको बाद में परमानेंट कर दिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो 27 लाख पर एनम चीफ मैनेजर के लिए एंड इंजीनियर के लिए 8.5 लाख्स, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 12.5 लाख्स, मैनेजर के लिए 19 लाख्स पर ईयर आपको सैलरी मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट www.hurl.net.in पे जाके अप्लाई करना है। जो भी फोटो है वो आपको लगेगा, इसके बाद अपलोड करना है सारा डॉक्यूमेंट्स। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो आपको बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। स्टार्ट डेट 26 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, 11 मई तक फॉर्म अप्लाई होगा और 11 मई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 26 अप्रैल से 11 मई तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।